देखिए, अभी सरकार ने एक फैसला लिया। वैसे तो केंद्र सरकार का एक फैसला है कि भाई जो 9th क्लास से लेके और 12th तक जो बच्चे हैं उनको पुस्तकें फ्री देनी चाहिए, लेकिन वो अभी तक कहीं भी लागू नहीं है। सबसे पहले हरियाणा सरकार ने इसको लागू किया है और हरियाणा सरकार ने फैसला लिया कि जो 9वीं से 12वीं तक के जो भी बच्चे हैं उनको सरकार जो पुस्तकें हैं वो फ्री देगी। 8वीं तक के लिए तो हम पहले ही पुस्तकें भी, बैग भी और बैटरी बैग्स वगैरह सारा कुछ पहले ही सही उनको फ्री देते हैं, लेकिन अब 9th से लेकर 12th तक भी हम ये जो पुस्तकें हैं उनको फ्री उपलब्ध करवाएंगे। इसमें सरकार का लगभग 41.47 करोड़ रुपया इस पर हमारा खर्च होगा और लगभग ये 6,19,256 बच्चे इन क्लासों में 9th से लेकर 12th तक शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमने निर्णय लिया कि जो पुस्तकें हम उनको देंगे तो उनका पूरा होने के बाद, पीरियड पूरा होने के बाद वो पुस्तकें दोबारा से वापस से हमारे पास ही जमा करा देंगे और उन्हीं पुस्तकों को हम, जिनकी ठीक स्थिति में जो पुस्तकें होंगी उनको अगली क्लास में जो बच्चे आएंगे उन बच्चों को वो पुस्तकें हम दोबारा से वितरित कर देंगे। पहली बार में तो हमारा खर्चा काफ़ी ज़्यादा है लेकिन आने वाले टाइम में खर्चा कम हो जाएगा। मुझे लगता है कि शायद ये हमारा 10 से 20% ही खर्चा रह जाएगा क्योंकि काफ़ी पुस्तकें बच जाएंगी और इससे मैं समझता हूँ और भी फायदा होगा, क्योंकि जो हर बार मान लो बच्चा जो पुस्तक लेता है और उसके बाद अगली बार नई पुस्तक लेता है तो कागज बनाने में भी काफ़ी पेड़ भी लगते हैं, पर्यावरण का भी नुकसान होता है। तो जहाँ बच्चों को फ्री में पुस्तकें मिलेगी वहीं पर्यावरण का भी इसमें बचाव होगा और निश्चित तौर से बच्चों का लाभ होगा इसका। बहुत कंवर जी, क्या मानते हैं कि जिस तरह से फ्री पुस्तकें दी जा रही हैं और चीज़ें फ्री दी जा रही हैं इससे कहीं ना कहीं एजुकेशन में कहीं फर्क पड़ेगा, कोई क्वालिटी में बच्चों में कहीं चेतना की कमी आएगी? नहीं, देखिए इससे लाभ तो होगा। एक तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना वो काफ़ी गरीब बच्चे आते हैं। सरकारी स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं, सामान्य से भी आते हैं और गरीब से भी आते हैं। तो मेरा ख्याल है काफ़ी लाभ रहेगा, जबकि एक बच्चे को जो औसतन जो है 600 से 700 रुपए की पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं और अगर उसको फ्री मिलेगी तो मैं समझता हूँ काफ़ी लाभ होगा इससे। और जो बच्चे बीच में छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट होता है, वो भी घटेगा इससे, तो उसका लाभ मिलेगा। एक जो ये विवाद चल रहा है लगातार, हालांकि आपके डिपार्टमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है, ये CID को लेकर के जो विवाद चल रहा है, क्या मानते हैं कि सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी नहीं हो रही है? देखिए इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जवाब दे दिया कि हमारा ऐसा कोई इतना बड़ा मामला नहीं है और निश्चित तौर से मेरे ख्याल से शायद इतना वो है नहीं। मुख्यमंत्री जी और अनिल विज जी कल भी साथ ही बैठे थे, छोटी मोटी बात है उसको छोड़ जा लें, कोई बात नहीं। मेरे अखबारों में वो बढ़ाए चढ़ाए के बात लिख दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं तूल दिया जा रहा है इस मामले को और दोनों की तरफ से ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात कही जा रही है जब भी मीडिया भी उसको हाईलाइट करता है। नहीं इतना कुछ है नहीं, एक दो दिन में जो अगर छोटी मोटी कोई बात है तो सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। ये जो आज विधायकों का ट्रेनिंग कैंप है, आप भी पहले स्पीकर रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं ये? बहुत ही सार्थक है क्योंकि देखिए आप जैसे जो पत्रकार हैं जो बहुत लंबे टाइम से रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ से, तो आपको तो लगता है कि सारा कुछ जानते ही हैं, लेकिन जो विधायक नए चुन के आते हैं उनके लिए बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। और एकदम जब बाहर से आते हैं तो हाउस में आने के बाद ना जब सामने देखते हैं कि एक 8 बार का विधायक है, एक 7 बार का, एक 6 बार का, एक 5 बार का, तो एकदम उनको लगता है कि शायद मैं बिल्कुल नया हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो इस ट्रेनिंग कैंप में काफ़ी कुछ जानकारी उनको मिलती है और मैं समझता हूँ कि उसका बहुत, किस प्रकार से अपने क्वेश्चन उठाना, कार्टन से मोशन कैसे देना, किस प्रकार से सारी बातें करनी। और उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी क्या है कि बाहर जब आप बोलते हैं ना जी, आप बोलने के तो सब एक्सपर्ट हैं, जो लोग यहाँ चुन के आए आखिर वो सारे भाषण दे के सारी बात कह के, लेकिन वहाँ बोलने और यहाँ बोलने में एक फ़र्क है कि यहाँ आपके पास एक टाइम है, लिमिट है टाइम की आपके पास। आपको अगर 8 मिनट मिले तो आपने 8 मिनट में अपनी बात कहनी, आपके पास 10 मुद्दे हैं लेकिन आपने भूमिका बनाते बनाते ही 5 मिनट खर्च कर दिए, तो फिर 3 मिनट में आप अपनी बात नहीं पूरी कर सकते ना जी। अब उसके लिए तैयारी चाहिए कि आप बिल्कुल इस प्रकार से तैयार रह गए कि मेरे पास इतने मिनट हैं और मेरे पास इतने मुद्दे हैं, तो मुझे कौन कौन सी बातें इसमें छोड़नी पड़ेंगी ताकि मैं, मेरा जो टारगेट है ना, मैंने वो अचीव करना कि जो मैंने कहना ना वो मैं कह के हूँ, ना कि मैं उसमें रहूँ।
और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी सफलता ये है कि अगर आप अपनी पूरी बात को अपने पूरे टाइम में कह दोगे तो वही एक योग्यता है। तो उन सारी बातों के बारे में जब वहाँ वो बात रखी जाएगी तो ऐसा ऐसा उसकी को मतलब विकास होता है विधायक का, और वो देखता है। और जब सीनियर लोग, और बहुत बड़ा लाभ ये है कि सारे सारे इकट्ठे बैठेंगे, इतने लंबे टाइम तक बैठेंगे, तो उससे निकटता भी बढ़ती है, समझ भी अच्छा। में भी आपने भी एक ऐसा कैंप किया था, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए चार साल जो देखा तो कहीं ना भी उसका प्रभाव नजर नहीं आया। नहीं, अगर आप पिछले टाइम को देखोगे और मेरे टाइम को देखोगे, अब आपने अपने आप ही कहा कि ठीक था आपके टाइम, अच्छा था। एक दो घटनाओं को छोड़ दें अगर, तो मेरे ख्याल के 5 साल बहुत अच्छे निकले। एक दो घटना ऐसी है जो ही नहीं तो उसके लाभ हुआ, मतलब दोनों चीज़ों का फायदा होता है, जहाँ जानकारी भी मिलती है वो भी लाभ होता है, और निकटता भी बढ़ती है जब हम इकट्ठे बैठते हैं, सारी पार्टियाँ इकट्ठी बैठते हैं। अब पिछली बार जो भी ये कार्यक्रम हुआ उसमें सारा जो भी बताने का काम भाषण दिन का हुआ, तो वो सारे मैक्सिमम अपोजिशन के थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, कादियान जी थे, कुलदीप शर्मा जी थे, और सारे के सारे लोग जो सीनियर लोग हैं वो सारे बोलने वाले थे। तो मेंबर को भी ये लगता है कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी का मतलब कतई हम अलग अलग हैं, आखिर लक्ष्य तो सबका एक है, 90 का 90 का लक्ष्य तो एक ही है। तो हम अगर मिलके काम करेंगे, एक दूसरे से कुछ जानने का प्रयास करेंगे, तो उससे हमारे संबंध भी अच्छे होंगे और जानकारी बढ़ेगी।